नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। एसएससी जीडी कांस्टेबल न्यू रिक्रूटमेंट 2024-25 को लेकर एक बड़ी अपडेट आप लोगों के लेके आऊं। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी की तरफ से ऑफिशियली आप लोगों के ऑनलाइन अप्लाई की डेट आपको बता दी गई है, एग्जाम की डेट भी आप लोगों को बता दी गई है। लेकिन इससे पहले एक बड़ा बदलाव आप लोगों को सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज में देखने को मिल सकता है। लगातार कुछ न कुछ चेंजेस होता जा रहा है और ऐसे में आप लोगों ने देखा होगा हाल ही में आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का रिक्रूटमेंट आया था, जिसमें आप लोगों की वैकेंसी ग्रुप वाइज आपको देखने को मिलती थी। बहुत सारे ग्रुप ऐसे थे जहां पर मिनिमम कट ऑफ पे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन सारी वैकेंसी को एक साथ मर्ज कर दिया गया और अब ऑल ओवर इंडिया आप लोगों की आरपीएफ की वैकेंसी आती है। इसी प्रकार दोस्तों, एसएससी जीडी के न्यू रिक्रूटमेंट में जो कैप्स के अंडर में जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज आते हैं, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है, जिसमें आपका बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, तो इन सभी को एक मर्ज किया जा रहा है, मतलब एक साथ मिलाया जा रहा है। तो इससे क्या आपको फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, आखिर ये अपडेट जो आप लोग देख रहे हैं ये ऑथेंटिक और सही और सटीक जानकारी में आप लोगों को लेके आऊं, और ये नया बदलाव भाई नई वाली भर्ती में आप लोगों को देखने को भी मिल सकता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखना, जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और इन फ्यूचर आगे आने वाली एसएससी जीडी भर्ती के रिगार्डिंग हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा, एसएससी की ऑफिशियली साइट पे है और एसएससी के नए रिक्रूटमेंट को लेकर ऑनलाइन अप्लाई की डेट आप लोगों की आ चुकी है। जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि 31,000 से ज्यादा पदों पर इस बार का रिक्रूटमेंट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं, 27 अगस्त से ही आप लोगों के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे, वही आप लोगों की लास्ट डेट 27 सितंबर रहेगी, वही आपका एग्जाम जनवरी फरवरी 2025 में कंडक्ट यहां पर होने वाला है। अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं एनएसए नेशनल आपका जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोवाल जी, उन्होंने सजेस्ट किया है इंटीग्रेशन ऑफ कैप्स, कैप्स को इंटीग्रेशन ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट के लिए अलग अलग जगह जहां पर पीस एरिया होता है, वार एरिया होता है। और अभी आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑफर यहां पर आया हुआ है, जो भी साथी है जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है ऑनलाइन टेस्ट देना आपके लिए बहुत जरूरी है और आप लोगों के प्रीवियस ईयर के पेपर और हर एक एग्जाम के लगभग 8,000 से ज्यादा एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम, जितने भी आपके एग्जाम स्टेट लेवल को, सेंट्रल लेवल को, फोर्स लेवल के हो, डिफेंस लेवल के हो, या फिर पीसीएस लेवल के हो, सिविल सर्विसेज के हो, सारे टेस्ट आप लोग दे पाएंगे ईयरली टेस्ट बुक पास प्रॉपर। और अभी आप लोगों के लिए जी संकल्प का स्पेशल सेल चल रहा है, जो कि 28 से लेकर 31 मई तक आप लोगों का चलेगा, और ये पूरा का पूरा एक साल का जो टेस्ट बुक पास आपको मिल रहा है, ये भी मात्र 263 रुपए में मिल रहा है। आगे अगर आप फौजी कोड का यूज करके आप इस टेस्ट बुक पास को परचेज करते हैं, तो भाई 12% की एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको, छूट भी यहां पर मिल जाएगी। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां जाके आप इस पास को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो भाई ये एक बड़ा पत्र डिप्लॉयमेंट के लिए, अलग अलग जगह जहां पर पीस एरिया होता है, वार एरिया होता है, वहां पर अलग अलग फोर्स रहती है। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत सारे साथी बीएसएफ में भर्ती होने के सोचते हैं, बीएसएफ बॉर्डर पे काम करती है, अभी राजस्थान जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में 50-52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी वो बॉर्डर पे सुरक्षा कर रही है। उसके साथ ही आपने देखा होगा सीआरपीएफ ज्यादातर पीस इलाकों में रहती है, शांत इलाकों में रहती है। तो भाई इन सभी को एक साथ क्या किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। और क्या सीआरपीएफ और बीएसएफ दोनों ही फोर्सों को मर्ज किया जाएगा या सभी पैरामिलिट्री फोर्स को मर्ज किया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो इस बार आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साथ आप लोगों की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब देखो, बहुत सारे बच्चे हैं कंफ्यूज रहेंगे कि सर सीआईएसएफ में भर्ती होना था मेरे को सीआरपीएफ में भर्ती होना था, मेरे को बीएसएफ में जाना है, तो क्या यह सब हो पाएगा? देखो यहां पर आप लोगों के लिए इसमें पूरी चीजें दी गई है और मैं सारी चीजें आपको डिटेल से समझाऊंगा। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं, ये भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, अंग्रेजी का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, द हिंदू, नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसमें ये न्यूज़ पब्लिश हुई है। और ये सारी जानकारी किसने दी है भाई? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोवाल जी, उन्होंने खुद दी है। एक बीएसएफ की सेरेमनी आप लोगों के यहां पर जो मेमोरियल आपका जो विज्ञान भवन है नई दिल्ली, उसमें एक सेरेमनी हो रही थी बीएसएफ की, उसी समय ये एक बड़ी जानकारी उन्होंने दी है। और उन्होंने ये सारी चीजें के बारे में बोला है कि मई 24 मई को ये सजेस्ट किया उन्होंने कि इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है, कैप्स के अंडर में सारी फोर्स आती है आपकी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, इन सारी फोर्सों को एक साथ मिला लिया जाएगा। जो आप लोग इतने दिन देखते थे कंधे पे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ लिखा मिलता था, अब हो सकता है अगर ये चेंजेस होगा तो आपको कैप्स देखने को मिलेगा। और ये सारी चीजें क्यों की जा रही है यहां पर आप देख सकते हैं, ये पूरी जानकारी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। इन्होंने कहा है कि शुड वी गो अहेड थिंक अबाउट द जॉइंटनेस इज अवर सीपीओ सेंटर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन,
इंटरफेस है वी आर ए हैव फोर्स नाउ टुगेदर वी हैव आल्सो गोट द सेम टाइप इंटरमिंगलिंग ड्यूटीज एट मेनी प्लेस वेदर इट इज ए प्रोस्क्रिप्ट कम्युनिकेशन ट्रेनिंग स्टैंडर्ड मतलब इन्होंने सारी चीजें यहां पर डिटेल से बताई। मैं जो चीजें आपके काम की वो बता दूं। देखो यहां पर लिखा है कि वेन एवर द रिक्वायरमेंट आर देयर इन वार और पीस वी हैव टू सी इफ वी हैव टू डिप्लॉय 13 बटालियन ऑफ कैप्स एट द बॉर्डर डज नॉट मैटर इफ बीएसएफ इज नॉट अवेलेबल। अब देखो सारा का सारा जो बॉर्डर का इलाका है जितना भी बॉर्डर इलाका है उनकी सारी बॉर्डर इलाके की जो जिम्मेदारी है वो किसको दी गई है बीएसएफ को दी गई है। इन्होंने ये कहा है कि सीआरपीएफ की 30 बटालियन ऐसी होगी 30 बटालियन ऐसी बनाई जाएगी जो कि बीएसएफ के साथ में मिलकर काम करेगी। अगर जरूरत पड़ी जैसे कि बीएसएफ बॉर्डर इलाके में रहता है वार वाले इलाके में रहता है वही सीआरपीएफ ज्यादातर पीस वाले इलाकों में रहता है शांति स्थापित करने के लिए सीआरपीएफ को रखा गया है और भारत का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्सेज भी है। अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो इन्होंने कहा है कि यह सारा काम डज नॉट मैटर इन बीएसएफ नॉट अवेलेबल। अगर कहीं पर बॉर्डर पर बीएसएफ अवेलेबल नहीं रहती है उतने जवान क्योंकि पूरा बॉर्डर है उसे यहां पर पूरे बॉर्डर पर बीएसएफ लगी हुई है तो कहीं ना कहीं अगर जवानों की कमी है तो उसकी जगह आप सीआरपीएफ एसएसबी आईटीबीपी असम राइफल के जवान भी भेजे जाएंगे। बीएसएफ के जवान जब कभी भी सीआरपीएफ को जरूरत पड़ेगी शांत इलाकों में तो वहां पर बीएसएफ के जवान भी नौकरी करेंगे। इन सारी फोर्सों को एक साथ मिलाने की बात की जा रही है मतलब जितनी भी आपकी फोर्स है बीएसएफ सीआरपीएफ सीआईएसएफ एसएसबी आईटीबीपी असम राइफल अब इन सभी को एक साथ मिला लिया जाएगा और उसके बाद में एक साथ अब आप में से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कोई जवान नहीं होगा जो कि सीआरपीएफ का होगा बीएसएफ का सारे जवान कैप्स के होंगे सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के होंगे और वो सारे जहां पर जरूरत पड़ेगी उसी के अकॉर्डिंग उनको ड्यूटी पर भेजा जाएगा। अगर वार वाले इलाकों में ज्यादा जवानों की जरूरत पड़ी तो भाई वहां पर जवान भेज दिए जाएंगे अगर शांत पीस वाले इलाकों में जरूरत पड़ी तो वहां पर जवानों को भेज दिया जाएगा। तो इन सारी चीजों को लेकर अब सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज है वो इनको क्या कर रही है मर्ज कर रही है सारी फोर्स को एक साथ मिला के उसे कैप्स नाम दिया जाएगा। और ये सारी जानकारी इन्होंने पूरी डिटेल से यहां पर बताया है कि द 10 लाख स्ट्रॉन्ग कैप्स भारत के 10 लाख जवानों की एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स बन जाएगी। उसके बाद में जब कभी भी वार के समय भी जवानों की जरूरत पड़ेगी तो ये सारे जवान एक साथ आ जाएंगे मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये सीआरपीएफ का है ये बीएसएफ का होगा सारे कैप्स के होंगे सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के होंगे। और ये नया बदलाव इस बार आप लोगों को देखने को इसको लेकर जो बीएसएफ की हाल ही में जो सेरेमनी हुई है उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल जी उन्होंने ये सारी चीजें बताई है कि सारे फोर्स हैं उनको क्या किया जाएगा अब मर्ज किया जाएगा तो हो सकता है एक नया बदलाव आप लोगों को कैप्स में भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों आपकी नई वैकेंसी है वो अगस्त में आप लोगों की आ रही है अगस्त में 27 अगस्त से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सभी को मैं बता दूं कि रोज शाम को 7:15 पर यूट्यूब पर पिछले साल के पेपर आपको हल करवाए जा रहे हैं शाम वाली क्लास आप जरूर लेना। जो भी बच्चा चैनल पे नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। क्या आप भी दोस्तों एसएससी जीडी न्यू वाली वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।